हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेहतरीन खाना यूट्यूब चैनल में। आज हम मूली और सरसों की भुर्जी बनाएंगे। सरसों के पत्ते और मूली की सब्जी बनाने के हमने 1 किलो मूली लिए, आधा किलो सरसों के पत्ते लिए। अब हम इसको ऐसे काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ऐसे ही करके हम छोटे छोटे टुकड़ों में सारी मूली काट लेते हैं। उसके बाद हम सरसों के पत्ते काटेंगे। मूली हमने काट ली है छोटे छोटे टुकड़ों में, ये हम सरसों भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसके गंदे पत्ते निकाल दिए हैं अच्छे से साफ करके हमने, ये ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। बाहर से हमने नहीं कटवाई, घर से ही, घर में ही लाके हम काट रहे हैं। इसे ऐसे ही सारी सरसों हम काट के आपको दिखाते हैं। मूली और सरसों के पत्ते हमने धो लिए हैं, अब इनको हम उबालने रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, करीब 1 कप के बराबर। और अब इसमें हम 3-4 सीटी लगवा लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारी सरसों, ये देखिए गल गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसको हम फिर छौंकेंगे। ये मूली हमने सरसों के पत्ते निचोड़ के रख लिए हैं ठंडे करके, अब हम इनको छौंकेंगे। हम सब्जी के लिए हम प्याज काट लेते हैं। हमने 2 प्याज लिए हैं, ये बारीक बारीक काट लिए हैं। ये 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, इसको भी हम बारीक बारीक काट लेते हैं। लहसुन हमने काट लिए हैं छोटे छोटे, लहसुन है हमने आधे आधे टुकड़े कर लिए हैं। और ये 4 हरी मिर्च ली हैं और टमाटर लिए, ये भी हम काट लेते हैं। हरी मिर्च हम काट लेंगे इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक। इसी के साथ हम टमाटर भी काट लेंगे। मूली और सरसों के पत्तों की भुर्जी बहुत टेस्टी बनती है और इसके बहुत गुण भी होते हैं हरी सब्जी के। सर्दियों के सीजन में ये चीज़ें आती हैं, इसको बना के खाना चाहिए, बहुत अच्छी और टेस्टी बनती हैं। ये देखिए काट लिया और इसमें सरसों का तेल डालेंगे थोड़ा सा, बड़े 2 चम्मच। आधा चम्मच हम जीरा डाल देंगे इसमें, इसके साथ ही हम इसमें लहसुन डाल देंगे। इस सब्जी में लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने 8-10 कलियाँ ली हैं लहसुन की। लहसुन हमारे थोड़े लाल हो जाए फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। लहसुन पिंक हो गए हैं, गुलाबी हो गए हैं, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज जल्दी लाल हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डालते हैं। ये देखिए 5 मिनट बाद हमारी प्याज लाल हो गई है। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने काटी हुई है। देखिए आप देख पा रहे हैं प्याज लाल हो गई है। थोड़ा सा मिर्ची और फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे, मिला लेंगे अच्छे से। टमाटर हमारे गल जाए इसलिए हम 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। पाँच मिनट में हमारे टमाटर गलेंगे। देखिए हमारे टमाटर गल गए हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। ये 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालते हैं।
एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच सूखा धनिया, ये आधी चम्मच देगी मिर्च, इन सबको मिला लेते हैं। देखिए मसाले भुन गए हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है साइडों से सारा। अब इसमें हम ये मूली और सरसों के पत्ते जो उबाले थे वो हम डाल देते हैं। ऐसे हम सारे डाल लेंगे, इसको हम मिला लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, आपने अगर बनाई है तो ठीक है, नहीं बनाई तो आप बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। ये देखिए अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको 5 मिनट ढक के पका लेंगे ताकि मसालों में अच्छे से ये पक जाए। तो देख लेते हैं हम अपनी सब्जी को। ये देखिए बन गई है सब्जी, देखिए बहुत अच्छी लग रही है देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, आधी चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है, गरम मसाला डाल के मिला लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा धनिया डाल देंगे। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।